अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अम्माद खान और आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टडी विद AK। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाएं, जो लाल बटन का आइकन है उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल बटन दिखता है उसे प्रेस कर दें। तो इससे यह होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाता हूँ वो आपको सबसे पहले मिलेगी और मेरी वीडियो के ज़रिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो घर बैठे बिना कोचिंग के अपना पेपर देके आ सकते हैं ईज़ली। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हम जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो कहलाता है प्राइस रिलेटिव। इसका क्वेश्चन हर ईयर में लाजमी दिया हुआ होता है। तो ये 5 ईयर मैंने आपके सामने खोली हुई है, मैं 5 ईयर में दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर प्राइस और एयर गिवन होता है। तो अगर हम बुक में देखें तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ होता है। ये देखिए गाइस, ये है प्राइस रिलेटिव। तो चलें अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, तो मैं ये एयर ले लेता हूँ 1999, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997। तो इसमें मैं प्राइस लेता हूँ इसके 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कि आपको बेस ईयर गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेस ईयर है 1999। तो जो बेस ईयर गिवन होता है मतलब 1999, ये बेस ईयर हमें गिवन है। तो ये जो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 आ जाएगा। तो अब जैसे देख रहे हैं आप, ये है 31, तो ये भी होगा डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देख रहे हैं आप 32, तो ये 32 भी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितने भी नंबर हैं ये सारे 30 से डिवाइड होंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 होंगे। 34 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 35 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये है 36 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलें अब इसको डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। तो चले गाइस, ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है, तो अब मैं 31 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका क्वेश्चन आ रहा है 10.333। तो मैं लिख देता हूँ 103.333। तो इसमें डिजिट के बाद जो होते हैं वो 3 नंबर लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं 32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आया है 106.666। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से सारा डिवाइड करना है, 33 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया है 110। अब क्या है, 34 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 113। पॉइंट के बाद ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं। तो पॉइंट के बाद जो हमेशा 3 डिजिट लिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये देखने के अंदर बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये है बहुत इजी। जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं होता। और ये पेपर के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो गाइस आपके समझ में तो आ गया होगा कि ये कितना इजी है और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको प्राइस रिलेटिव किया जाता है, ये हर ईयर में लाजमी होता है। और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और सिंपल है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके पेपर में 5 मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।